ये देखिए स्टूडेंट न्यूमेरिकल देखिए, सबसे पहले हम केपी और केसी के न्यूमेरिकल करेंगे। तो हमारे पास स्टेटमेंट है, देखिए स्टेटमेंट क्या है, फॉर द इक्विलिब्रियम, फॉर द इक्विलिब्रियम, ठीक है, फॉर द इक्विलिब्रियम टू NaCl, टू NO प्लस Cl2, ये स्टेटमेंट गिवन है आपके पास। उसके बाद हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी कितना दिया हुआ हमें, 3.75 इंटू 10^-6 एट 1069 केल्विन। कैलकुलेट केपी, कैलकुलेट केपी फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला था, सबसे पहले तो गिवन जो चीजें हैं वो लिख लो। केसी कितना है, 3.75 इंटू 10^-6, ठीक है। केपी का फॉर्मूला क्या होता है, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी डेल्टा एन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी डेल्टा एन। आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, आर की वैल्यू कितनी होती है, 0.0831, ठीक है। तो आपने निकालना केपी है, केसी कितना दिया है, 3.75 इंटू 10^-6, आर की वैल्यू कितनी है, 0.0831, ठीक है। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ आपको, टेम्परेचर फॉर 1069 केल्विन, ये टेम्परेचर दिया हुआ है। अब डेल्टा एन क्या होगा, डेल्टा एन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना आपके पास प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में होगा और रिएक्टेंट गैसेस स्टेट में होगा। तो प्रोडक्ट में कितना है, 3 है, 2 और 1 3, तो रिएक्टेंट में कितना है, 2, तो 1 आ गया। तो ये आप सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो केपी की वैल्यू इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगी 3.34 इंटू 10^-4। समझ में आया स्टूडेंट, आपने क्या करना है, स्टेटमेंट गिवन है, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। केपी के लिए फॉर्मूला यही है, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी डेल्टा एन। तो केपी इज इक्वल टू 3.75 इंटू 10^-6 फुट, क्या आर की वैल्यू 0.0831 होती है, टी कितना है, 1069, डेल्टा एन क्या निकलेगा, प्रोडक्ट के गैसेस मोल माइनस रिएक्टेंट, यानी कि डेल्टा एन इज इक्वल टू 3-2 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर जो है कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आया सबको, तो इसी के बेसिस पर एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आप केपी और केसी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सबको समझ में आया, जल्दी से नोट डाउन करें।